बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक है सारे जहान वालों का। ला तरजु इल्ला रब्बक, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। सब्र जन्नत में शहद की नहर है। अल्लाह जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर दुआ मांगो। कीजिए हर बात पर सब्र व शुक्र, क्योंकि बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफ़र। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोबत और क़यामुल लैल। कुरान की दोस्ती जो कब्र के अंधेरों से लेकर पुल सिरात की सख्तियों तक आपका साथ नहीं छोड़ती। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। जो शख्स सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह और उसके बंदे का है। यकीन करो तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। एक नमाज में अकली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। हर वो शख्स बेवफा और नाकाबिल एतबार है जो नमाज नहीं पढ़ता। तहज्जुद का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। इंसान को मट्टी से सोना बना देती है नमाज। अल्लाह नाराज़ होकर रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। और यकीन मानो यही सबसे बड़ा खसारा यानी नुकसान है। अल्लाह हमें हर हालत में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खुदा मुझे हर दिन फजर की नमाज से शुरू करने की तौफीक दे, मुझसे कभी फजर की नमाज कज़ा ना हो। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी यानी बेवकूफ़ी है। हज़रत अली ने फरमाया, चार चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखो। पहली चीज़ तन्हाई में सोच को, दूसरी चीज़ महफिल में ज़बान को, और तीसरी चीज़ रास्ते में निगाह को, और चौथी चीज़ नमाज में दिल को। अल्लाह को बताया करें कि आपके दिल की कैफियत क्या है, आप महसूस क्या कर रहे हैं, आप कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। वक्त उसे भी सुधार देता है जिसे कोई दूसरा सुधार नहीं पाता। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। इज्जत देखी तो सिर्फ खुदा के घर में देखी, ध्यान रो भी दो तो ज़माना तमाशा नहीं बनाता। दुनिया को सच्चे होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पे वो अंजाम से घबराया नहीं करते। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहो, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पे गालिब कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती है। बंदे को अल्लाह पर
भरोसा होना चाहिए। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। ज़िंदगी की हर एक ठोकर यही एहसास दिलाती है कि अल्लाह मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। गुरूर किस चीज़ पर, दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। मैंने कहा थक चुका हूँ, जवाब आया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जिसका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। जो गलती ना करे वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो नहीं मेरा रब रास्ता बनाएगा। साफ नीयत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता, ना आपकी नेकी और ना दूसरों की ज़्यादती। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। अल्लाह जो दिन को रात बनाने पर कादिर है, वो तुम्हारी भी मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। जिन हाथों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो उन्हीं हाथों से एक बार कमेंट में प्यार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दो। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नज़र आती है। कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरुद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। दर्द कितना भी हो अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाल्लाह, जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। और मेरे अल्लाह को टूटे दिल जो में खूब आते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ कभी दाया नहीं होने देता। कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, कुछ बातों को अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ता है। जब वास्ते और रास्ते अल्लाह से जुड़ जाए तो दिल नहीं टूटा करते। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। अल्लाह आजमाता तो है मगर रास्ता भी वही दिखाता है, क्योंकि वो गफूर रहीम है। बेशक सुकून की दौलत अल्लाह का जिक्र करने वालों ही के नसीब होती है। अल्लाह देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे बेहद पसंद आ जाए। हज़रत अली ने फरमाया गुना पर नदामत गुना को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो, क्योंकि रब जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, दिल से निकले हुए ये ऐसे अल्फाज हज़ारों गुनाहों को मिटा देते हैं। बदला ना लिया करो, बस माफ़ कर दिया करो। ऐ अल्लाह मजबूर लोगों की मजबूरियाँ ख़त्म कर दे, अपनी रहमत के सदक़े हर घर में खुशियों की बारिश कर दे। दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों जहाँ की सारी नियामतें उनको अता करे जो इस वीडियो को लाइक करके अपने सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर कर दे।